अतुल ओंढाले भैया प्रोफेसर है डीजे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई में। और भैया मतलब वहाँ पे एचओडी के पद का भी मतलब काम देखते हैं। भैया यूएचपी के साथ में मई 2020 से जुड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ बदलाव मैं भी उनको देख पा रहा हूँ, क्योंकि भैया को मैं काफ़ी लंबे समय से लगभग 20 या उससे ज़्यादा समय से भैया को जानता हूँ। भी भैया को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातों को रखे। ओवर टू अतुल भैया। हेलो, जी भैया, आवाज एकदम क्लियर। या नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जैसे यशवंत भैया ने बोला कि मैं अतुल देविदास राव ढाले, प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ, श्री विले पार्ले केलवानी मंडल के द्वारकादास जे संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई। मेरा अल्प परिचय, मेरे परिवार में पत्नी और दो प्यारी बेटियां हैं और मेरे पिताजी हैं। मेरा मानवीय मूल्य का अब प्रवास मई 2020 में चालू हुआ, और वो भी बड़े योग संयोग से। कोरोना महामारी के दौरान जब लोग घर पे ही थे, जो भी काम हो रहा था वो सभी घर से ही हो रहा था, उसी दौरान बहुत सारे ऑनलाइन एचटीटीपी वेबिनार्स चालू थे, तो AICT का UHV वर्कशॉप का भी मेल बैस, और उस दौरान मैंने ज्वाइन किया। और पूरे वर्कशॉप के कंटेंट को सुनने के बाद में इतना तो समझ में आया कि कंटेंट खुद के लिए वेरीफाई और वैलिडेट कर सकता हूं। और इसलिए जब वो कंटेंट के थ्रू गया तो मुझे बहुत ही सुखद वो मेरा अनुभव था। फिर मैंने फ़रवरी 2021 में रिफ्रेशर 1 पार्ट 1 ज्वाइन किया। वो कंप्लीट होने के बाद मैं वीकली मीटिंग्स अटेंड करना चालू किया, और उमेश भैया के सेशंस जो सुनने मुझे बहुत ही लाभदायक रहा। बाकी को एक्सप्लोरर जब प्रश्न पूछते थे तो वो भी मेरे लिए अधिक समझ बढ़ाने वाला था। फिर मैंने जनवरी 2022 में रिफ्रेशर 1 पार्ट 2 ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं पुणे में कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला, और वहां पे मुझे पता चला कि यूएचपी में जो बोला गया है वो सिर्फ बोला नहीं जाता, वो जिया भी जा सकता है। वहां पे जाने के बाद में जब मैं कुमार भैया, उमेश भैया को मिलने का अवसर मिला और उनके साथ 3 दिन रहकर लगा कि सही में जीवन कितना सरल जिया जा सकता है। जो पहले वर्कशॉप के दौरान जो आइडियल लगता था, तो वो ये लोग अपने जीवन को जी रहे हैं। और इसी दौरान हमारे कॉलेज में भी, कॉलेज ऑटोनॉमस हुआ, और कॉलेज में 2021 में सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में ये UHV कंपलसरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और हमारे प्रिंसिपल सर को पता चला था कि मैंने UHV के कुछ वर्कशॉप किए, तो मुझे UHV का कन्वेनर भी बना दिया, और इसके कारण मुझे इस कंटेंट को और एक्सप्लोर करने का मौका मिला और मेरी भागीदारी बढ़ती गई। पुना कॉन्फ्रेंस के बाद में मैंने मॉर्निंग सेशंस के लिए नाम दिया और खुद को और एक्सप्लोर करने का प्रयास करने का अवसर मिला। मैंने 2 बार मॉर्निंग सेशन ज्वाइन किए और एक थर्ड टाइम UHV 3 ज्वाइन किया है। जब मैं सबसे पहले तो UHV के कारण मुझे ये पता चला कि मनुष्य मय और शरीर के सहअस्तित्व में, और ये भी दिखने लगा कि शरीर की आवश्यकता अलग है और मय की आवश्यकता अलग। शरीर से होने वाली क्रिया और मय में होने वाली क्रिया अलग है, और मैं ये भी देख पाया कि मैं ही दृष्टा है, मैं ही करता है और मैं ही भोगता है। यदि हम मानने के दायरे में जी रहे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या में होते हैं, लेकिन हम जानना सुनिश्चित करते हैं तो हम समाधानित होते हैं। जानने का मतलब वास्तविकता में जैसे है वैसे शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पाना, जान पाना,
और ये मैं प्रयास करता हूं कि इसको जैसे है वैसे देख पाऊं। जब से ये UHV-3 का सत्र शुरू हुआ तब से इतना तो दिख रहा कि मानव के होने में मैं केंद्र में है और शरीर साधन मात्र है। मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, मेरे में समृद्धि का भाव, निरंतर सुख का ही एक भाव है, ये भी समझ में आया। और ये मेरी मैं की ही आवश्यकता है और ये मैं की क्रिया द्वारा पूरा होना है। अभी ये कैसे पूरा होना है तो एक सह अस्तित्व को देखकर, सह अस्तित्व के आधार पर भाव विचार को सुनिश्चित करके। और ये मुझे समझ में आया कि ये मैं की आवश्यकता है, निरंतर सुख और मैं की जो आवश्यकता है और मैं द्वारा ही पूरी होनी है। तो सह अस्तित्व के ध्यान के साथ, सह अस्तित्व के भाव विचार के साथ जो मुझ में सह अस्तित्व का ज्ञान हो जाए, सह अस्तित्व का भाव व विचार सुनिश्चित हो जाए, मैं अपने आप में ऐसी स्थिति में रहता हूं जिसमें मैं हर क्षण बने रहना चाहता हूं। तो अभी इतना तो समझ में आया कि मेरी आवश्यकता मैं के ही द्वारा पूरी होनी है, ना शरीर के द्वारा, ना बाहर की कोई घटनाओं के द्वारा। जैसे ही मैं सुख के लिए किसी बाहर की वस्तुओं के लिए निर्भर होता हूं तो मैं डिपेंडेंट रहता हूं या परतंत्रता में रहता हूं, ये भी समझ में आया। तो इसमें से इतना तो समझ में आया कि मेरी आवश्यकता तो सुख है, सुविधा नहीं। मेरी आवश्यकता जो है वो मेरे द्वारा ही पूरी होगी, इसलिए बाहरी आवश्यकता नहीं है। और इससे मुझे ये समझ में आया कि काम मेरे ऊपर ही करना है और काम करना है यानी सहस्तित्व का ज्ञान सुनिश्चित होना है, सहस्तित्व का भाव विचार सुनिश्चित होना है। यहां मैं ये बोल सकता हूं कि ये मुझे समझ में तो आया है लेकिन अभी तक ये मेरे जीने में पूरा नहीं आया है। जब मैं प्रकृति के बारे में बात करता हूं तो प्रकृति में जितने भी इकाइयां हैं उन सभी को हम चार अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था है, जिसमें निश्चित प्रकार से न्याय बना हुआ है, निश्चित धारणा बनी हुई है, निश्चित प्रकार से अनुषंगीयता बनी हुई है। और इसमें यह भी दिखता है कि मानव के स्वभाव में धीरता, वीरता और उदारता है। तो धीरता का मतलब इसमें ज्ञान होना है, समाधान, और मैं हर क्षण उसी समाधान के साथ विचार करता रहूं, इस हर बार मैं उसी समाधान के साथ निर्वाह करता रहूं, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन अभी तक मेरे में धीरता है ऐसे मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि अभी भी कुछ समय मैं बेचैन रहता हूं, गुस्सा भी कभी कभी आता है। लेकिन अभी मैं ये देख सकता हूं कि ये UHV-3 के कारण मेरे में ये कम होने लगा है, लेकिन पूरा कम हुआ ऐसे मैं अभी तक नहीं बोल सकता हूं। जब मैं अस्तित्व के बारे में बात करता हूं तो अस्तित्व में इकाइयां हैं और ये इकाइयां सीमित आकार की है और एक क्रियाशील है, और ये इकाइयां दो प्रकार की है, एक जड़ जिसमें पहचानना, निर्वाह करना होता है, और दूसरा चैतन्य जिसमें जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना होता है। और जड़ के ये टेम्पररी और चैतन्य ये कंटिन्यूअस होती है,
और ये सभी इकाइयां शून्य में सबमर्ज होती है, शून्य ये असीम होता है और ये क्रियाशील होता है, अस्तित्व के होने में सह अस्तित्व केंद्र में, पूरा अस्तित्व सह अस्तित्व पूरक है। इसमें समझ में आता कि मुझे सह अस्तित्व का ज्ञान होना है, मुझे व्यवस्था का बोध होना है, संबंध का चिंतन होना है, यानी मुझे सह अस्तित्व समझ में आ जाए, व्यवस्था समझ में आ जाए, संबंध समझ में आ जाए, इसके आधार पे मेरा भाव विचार सह अस्तित्व पूर्ण हो, व्यवस्था पूर्ण हो, संबंध पूर्ण हो स्वयं में, इससे मैं अपने आप में निरंतर सुखी बना रहूं, ये मेरी आशा है। और इसमें और मानव के होने में मैं केंद्र में, मेरे सुख के केंद्र में सह अस्तित्व का ज्ञान भाव विचार है और सब बारीकी से देख सकता हूं। और ये भी दिखता है कि सह अस्तित्व पूर्वक जीना, संबंध पूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीना, यही मानव के आचरण के केंद्र में है और इसको ही मानवीय आचरण हम बोल सकते हैं, अन्यथा ये अमानवीय है। जब मैं अभ्यास एक और दो की बात करता हूं तो अभ्यास एक में स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का प्रयास किया। जब ये अभ्यास शुरू किया तब तो इतनी तो समझ हो गई कि कल्पनाशीलता अपने में कंटिन्यू चलती है, लेकिन कभी उसे देख सकते हैं कभी नहीं। लेकिन कल्पनाशीलता को देखने का खास प्रयास किया तो वो अभी देख सकते हैं। बहुत बार ऐसे देख पाता हूं कि मेरी कल्पनाशीलता एक विषय से दूसरे विषय पर शिफ्ट होती है, लेकिन अभी UHV-3 के कारण कुछ मेरे ध्यान की वस्तु को खुद ही मेरे अवेयरनेस में तय करता हूं, लेकिन कुछ समय मेरे अवेयरनेस के बिना तय होती है, लेकिन उसका प्रमाण अभी कम हुआ है। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मेरी इच्छा विचार आशार को अलग अलग करके देखूं। जब भी कभी किसी से सहमति नहीं होती तभी पता चलता है कि मेरे भाव बदल रहे हैं और उस समय कुछ डिस्टर्ब डिसहारमोनी में होता हूं। अभी हर वक्त ये मैं देख सकता हूं, जब भी अपोजिशन के भाव आते हैं तो मैं देख सकता हूं, लेकिन तभी ये भी ध्यान जाता है कि ये अपोजिशन के भाव मुझे सहज स्वीकार्य नहीं होते, क्योंकि उस समय मैं आराम में नहीं रह पाता, संगीत में नहीं होता। इसमें ये भी देख सकता हूं कि जो भी भाव विचार चल रहा है वो रिलेशनशिप का हो या अपोजिशन का, उसका निर्णय मैं ही लेता हूं। कोई भी परिस्थिति में या कोई भी दूसरा व्यक्ति ये निर्णय नहीं लेता, ये निर्णय मेरा खुद का ही होता है, ये भी मैं अभी देख पा रहा हूं। मेरे अपने में भाव विचार चलते रहते हैं, उसका निर्णय सही समझ के आधार पर लेना चाहिए, ये समझ में तो आता है, लेकिन हर वक्त जो भाव विचार चलते हैं उसका निर्णय हर समय सही समझ में नहीं ले पाता। उसके लिए मुझे अपने आप में और काम करने की आवश्यकता है और वो करने का प्रयास मैं निरंतर करता रहूंगा ताकि मैं आराम में, संगीत में और सुखी रह पाऊं। मेरे जीवन के बदलाव के बारे में बात करूं तो मुझे इतना तो अभी समझ में आया है कि मैं हर एक मानव के साथ संबंध में, मैं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का चाचा, किसी का मामा हूं, किसी के साथ को एक्सप्लोरर हूं, ये संबंध को समझना
और समझ के साथ जीने की आवश्यकता है। इस सभी मॉर्निंग सेशन और UHV 3 के कारण मैं सजग रहता हूं। घर में कभी मेरे विचार के अनुसार चीजें नहीं हुई तो मुझे अभी ज्यादा इरिटेशन नहीं होता। यही पहले यानी 1-1.5 साल पहले मेरा इरिटेशन ज्यादा रहता था। फिर 1-2 दिन पत्नी के साथ बातचीत बंद हो जाती थी, लेकिन अभी मैं देखता हूं कि मेरा इरिटेट होना कम हुआ और बातचीत बंद होने का वक्त लास्ट 1.5 साल में आया नहीं है, बल्कि अभी संभाषण होता है। और संभाषण के वक्त जब भी अपोजिशन का भाव आता है तो वो मैं देख पाता हूं और फिर प्रयास करता हूं कि वो भाव कैसे मैं कम कर सकूं, और उसके लिए कोशिश मैं करता हूं। और इसलिए मैं देख पाता कि मैं आराम में रह सकता हूं। मेरी बड़ी बेटी अभी 11th में, और उसको मैं बहुत डांटता था पहले जब वो 6th, 7th, 8th में थी, तो अभी वो बहुत बार मुझे बोलती है, क्योंकि अभी छोटी बेटी है और उसको कम डांटता हूं, मीन्स एज गुड एज निग्लिजिबल। तो अभी वो बड़ी बेटी मुझे बहुत बार बोलती है कि आप उसको क्यों नहीं चिल्लाते। तो ये फर्क मेरे में डेफिनेटली हुआ है, और इवन ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों के साथ, और स्पेशली मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं लोकल में ट्रैवल करता हूँ, तो बहुत बार ये मैं देख सकता हूँ कि मेरे भाव कैसे बदलते हैं। और हर बार मैं वो प्रयास करता हूँ कि मेरे भाव और विचार मैं देखूं और उसमें मैं कुछ चिंतन कर पाऊं। जब मैं अभ्यास 2 की बात करता हूं तो अभ्यास 2 में मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखता हूं। मैं और शरीर दोनों अलग अलग वास्तविकता है, ये तो देख सकता हूं। उन दोनों की जरूरतें भी अलग अलग है, और मैं देख पा रहा हूं कि मैं भी हूं और शरीर भी। मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये देख सकता हूं। मैं शरीर को एक साधन के समान उपयोग करता हूं, जो भी करना है उसके लिए मैं शरीर को सूचना देता हूं और शरीर से करवा लेता हूं। शुरुआत में ऐसा लगता था कि शरीर में जो संवेदना होती वो कभी कभी पड़ पाता था, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर में होने वाली बहुत सारी संवेदना को पढ़ रहा हूं। बाद में ये भी पता चला कि शरीर को संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय मैं ही लेता हूं। सूचना के आदान प्रदान का निर्णय पूरी तरह मेरा है, और इसमें ये भी समझ में आया कि मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूं, साधन की तरह प्रयोग करता हूं। मैं और शरीर के बीच दूरी है, ये भी मैं देख सकता हूं। बाह्य परिस्थिति का प्रभाव संवेदना के रूप में शरीर पर पड़ता है। इन संवेदनाओं को पढ़ना है या नहीं, इसका निर्णय भी मैं करता हूं, और मैं संवेदना का आस्वादन करता हूं। मैं अपने संस्कार के साथ जोड़कर उसको अर्थ देता हूं। यह सब मेरे संस्कार पर निर्भर करता है, और इसलिए मुझे अपने संस्कार को देखने की जरूरत है कि यह सही समझ पर आधारित है या मान्यता पर आधारित है। अभी तक इतनी समझ हो गई कि बाहर की घटनाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को देखना चाहिए, लेकिन अभी तक जो वो स्वभाव नहीं बन पाए, इसलिए इसमें अभी काम करने की आवश्यकता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इसमें निरंतर काम
करना चालू है। मुझे बहुत बार ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे संस्कार कुछ मान्यता और कुछ समझ पर आधारित है, और इसलिए मैं स्वयं में निरंतर सुख की स्थिति को सुनिश्चित नहीं कर पाता हूं। लेकिन इतना है कि ये अभी थर्ड मॉर्निंग सेशन और इवेंचुअली 3 के बाद सुख की स्थिति का प्रमाण बढ़ा है। वो मैं कम से कम 50% तक तो बोल सकता हूं, और इसलिए मैं ये प्रयास करता रहूंगा कि मेरे निर्णय सही समझ के आधारित होने चाहिए, ना कि मान्यता के आधारित। मेरा होना और शरीर का होना ये सब शून्य में है और शून्य के सह अस्तित्व में है, ये समझ में तो आया है, लेकिन अभी पूरा व्यवहार में आना बाकी है और उसके लिए मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा, ये मेरा आप सभी लोगों को वादा है। वैसे तो मैं बहुत ही कम प्रश्न पूछता हूं, लेकिन आप सभी लोगों के प्रश्नों से मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, और बहुत बार तो आपके प्रश्नों से ही मेरी समझ और रुतंगत होती, इसलिए सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आप सभी साथियों के लिए। मेरा कमिटमेंट, जिम्मेदारी, मैंने जैसे बोला कि मेरे स्वयं के समझ के लिए मैं हर पल ये देखने का प्रयास करता हूं कि मेरे भाव विचार कैसे हैं। मैं अभी मुझे ये 2 मॉर्निंग सेशन और UHV3 के कारण उतनी तो आदत लग गई है कि मैं कहीं पे भी हूं तो मैं मेरा तुरंत ख्याल मेरे भाव विचार पे जाता है, और इसका श्रेय तो मुझे मॉर्निंग सेशन को ही देना पड़ेगा। मैं हर दिन मॉर्निंग सेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा मैं समय देता ही हूं, और वॉलंटियरिंग में रजिस्ट्रेशन का काम तो रेगुलर करता हूं, और उसके साथ वीकली मीटिंग्स, मंथली मीटिंग्स मैं ज्वाइन करने का प्रयास करता हूं, और जो भी काम स्पेसिफिक टाइम में नहीं करना है, मीन्स वो पर्टिकुलर टाइम पे नहीं करना है, वो सब काम में मेरी भागीदारी कर सकता हूँ, लाइक वीडियो एडिटिंग और कंटेंट प्रिपरेशन। मैं खास करके गणेश जी, कुमार भैया, शर्मिला दीदी, उमेश भैया, यशवंत भैया, विनय भैया, सीता दीदी, निधि दीदी और सभी को एक्सप्लोरर का कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी जो है ये भैया शेयरिंग रही आपकी, और ईमानदारी से कि भैया जो आपकी जो प्रस्तुति है वो भैया स्पष्ट है, सहज है, प्रेरणादायी है भैया, और विषय वस्तु को तो गहराई में भैया आपका ध्यान जो है ये जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण जो देखने को मिला कि अपने परिवार में और अपनी सामाजिक भागीदारी में एक परिमार्जन की जो दिशा है वो बहुत ज्यादा ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भैया। जी बढ़िया भैया, तो अतुल ढाले भैया की शेयरिंग अच्छी रही, उन्होंने विस्तार से एक एक मुद्दे पे अपने ऑब्जर्वेशन को रखा और परिवार में अपने व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है उसको भी रखा, उसमें भी व्यवहार के समय भाव पे ध्यान किस प्रकार से जा पा रहा है और कहाँ उनकी सीमा बन जा रही है, उन बातों को उन्होंने नोट किया। मैं कहूँगा शेयरिंग अच्छी रही भैया की। अतुल भैया, ये आप कितने बार सुबह के सत्र को अटेंड कर चुके हैं? भैया ये मेरा 3रा सत्र है। तो आपकी वो तत्परता भी दिखाई दे रही है, स्थिति भी दिखाई दे रही है, आपके आगे की गति के लिए अच्छी है। और भागीदारी के रूप में भैया अभी क्या कर रहे हैं आप? भैया भागीदारी के रूप में मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन में काम कर सक रहा हूँ, अच्छा, और वीकली मीटिंग्स और मंथली मीटिंग्स ज्वाइन करता हूँ, मॉर्निंग सेशन तो डेली ज्वाइन करता हूँ, मॉर्निंग सेशन का कुछ ज्यादा इश्यू नहीं आता है क्योंकि मॉर्निंग में रहता है वो, लेकिन बाकी इसमें भागीदारी कम है, लेकिन डेफिनेटली
जहां जहां पे मैंने इसलिए बोला कि तो जहां जहां पे टाइम बाउंडिंग नहीं है, मीन्स इसी पर्टिकुलर टाइम में जो एक्टिविटी नहीं करनी है, तो उसमें मैं डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकता हूँ। जी, तो आप एक बार वेस्टर्न रीजन की मीटिंग में अपनी बात को रख लें, और कोऑर्डिनेटर उमेश भैया हैं वहाँ पे, आप एक बार अपनी बात को रख लें कि आपको कुछ और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर मिल सकती हैं तो अच्छा ही रहेगा। प्रस्ताव आपको काफ़ी स्पष्ट है और सुबह के सत्र में भी आप जुड़ पा रहे हैं, तो अब वो जो भागीदारी वाली बात है, वो जितना हम फैल के करेंगे उतना हमारे अपने भाव विचार पे और सटीकता से ध्यान जाएगा, अपना और मूल्यांकन कर पाएंगे। तो मेरी जी तरफ से जी शुभकामना भैया।